सुनो जी, ए जी सुनो जी, सुनो जी, बोलो। लॉकडाउन खुल गई है तो ऐसा कीजिए, आप बैंक जाइए और बैंक से कुछ पैसे निकाल के लेके आइए, फिर हम चलते हैं, अच्छे से शॉपिंग करके आएंगे। यार आपको पता है लॉकडाउन के चक्कर में पीछे 3-4 महीने से कोई अर्निंग हुई नहीं, कहीं सैलरी वगैरह आई नहीं है, तो पैसे कहाँ से आए? इस काम को हम 2 महीने बाद भी कर सकते हैं। सुनिए ना, ऐसा करते हैं ना, आज हम शाम को डिनर करने के लिए बच्चे के साथ चलते हैं, कोई अच्छे से होटल में डिनर करके आते हैं। एक काम करो, घर पे मंगा लो, सस्ता पड़ेगा। बाहर होटल में जाने से कोई फायदा नहीं है, अभी कोरोना की बीमारी चल रही है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और घर में सस्ता भी रहेगा और बढ़िया भी रहेगा। आपको मालूम है अभी स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों की फीस भी देनी है, बच्चों की ट्यूशन फीस देनी है, और भी बहुत चार्जेज हैं, वो कहाँ से आएंगे? अगर हम इसे फालतूपन में खर्चा करेंगे तो वो कैसे होगा? जब मेरे खर्चे की बात आती है तो आपका हर टाइम यही रोना होता है। एक्शन। इसमें मेरे और आपके खर्चे क्या अलग अलग हैं? खर्चे सभी हैं, आपको पता है इसमें अर्निंग कुछ हुई नहीं है, कुछ आगे बढ़ने दो, देख लेंगे कैसे करना है क्या करना है, अभी जितना है उसी में गुजारा करो। ठीक है, मैं आपकी बात तो मान लेती हूँ, पर जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगी तो आप मुझे अच्छे से शॉपिंग करवा देना, ठीक है? भाग्यवान, जो समझदारी आप में है, ऐसे अगर सभी बीवियों में हो जाए तो लॉकडाउन के बाद की प्रॉब्लम किसी के सामने नहीं आए। हाँ सर, मैंने बोला था कि आपने बोला था कि सैलरी आई लॉकडाउन के बाद, लेकिन अभी तक नहीं आई, कब तक आई? अच्छा, तो सर ये तो बात आपकी गलत है, आनी चाहिए तो कहाँ से मतलब चलाएंगे। अच्छा, ठीक है सर, इसको जल्दी कीजिए, जल्दी हो सके। सैलरी वगैरह आती नहीं है, कैसे काम चलेगा? पेमेंट भी नहीं आ रही है, सैलरी भी नहीं आ रही है, कैसे क्या होगा? लॉकडाउन के बाद बहुत दिक्कत आ रही है। सारे मजदूर लोग क्या करेंगे, कैसे पेमेंट आएगी, कैसे आदमी काम चलाएगा? सारी अर्थव्यवस्था देश की खराब हो गई है लॉकडाउन की वजह से, आखिर कब तक चलेगा ऐसा? पता नहीं।